हेलो दोस्तों, आज आ चुके हैं हम लोग बालोद जिले की बहुत ही खूबसूरत एवं पावन जमी पर, जिसे हम लोग माँ सिया देवी के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी माँ सिया देवी जी की दर्शन कराते हैं, वीडियो में बने रहिए। जय माता दी। घुमू आए हैं पूर्वांश, घुमू चला जाओ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ भोलेनाथ जी की दर्शन हुए हैं, और सबसे पहले हम लोगों ने भोलेनाथ जी का दर्शन किए। तो दोस्तों, भोलेनाथ जी की दर्शन करने के तत्पश्चात हम लोग यहाँ से निकल पड़े, और पानी की कलकल धारा को चीरते हुए हम लोग आगे बढ़ गए, और हमें आगे जाकर मिला बहुत सारे दुकान। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को माता जी को अर्पण करने के लिए यहाँ पे सभी प्रकार के नारियल और प्रसाद वगैरह सब चीज़ मिल जाएंगे आपको। क्या रुपया है भाई? 50 रुपया हो? भाई ये है मेन मंदिर, माता सिया देवी मंदिर, और हम लोग पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए। तो भाई साहब, देख सकते हो कितने सारे श्रद्धालुगण आए हुए हैं आज दर्शन के लिए, और आते ही जा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। तो भाई चलो, अब यहाँ से हम लोग भ्रमण करते हैं मंदिर का, और ये पिछला हिस्सा है माता जी के मंदिर का, देख सकते हैं इधर से भी दिख रहा है। और फाइनली हम लोग भ्रमण कर चुके हैं मंदिर का, अब दूसरा मंदिर में जाते हैं। तो यार, हम लोग अभी मंदिर से निकल चुके हैं, और अब बारी है बजरंगबली के दर्शन करने का। पूर्वांश तेरा भैया ने क्या दर है भाई। झरने की तरफ चलते हैं, अब झरना मंदिर घूम लिए हैं, अब झरना की तरफ जा रहे हैं। और भाई यहाँ से देख सकते हो झरना गिर रहा है। प्रकृति के गोद में अगर कितना आनंदित होता है दोस्तों मन, आप लोग भी एक बार जरूर आइए प्रकृति की गोद में, और मज़ा लीजिए इस प्रकृति की खूबसूरत नज़ारे का। तो भाई देखो, अभी भी वहाँ पे लाइन लगा हुआ है, लंबी कतार लगी हुई है दर्शन के लिए, और इतना लंबा लाइन आसान। दोस्तों, माता जी की दर्शन और झरने की खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं लौकुश दर्शन के लिए। वहाँ पे माता सिया देवी जी, राम जी, लक्ष्मण जी सभी यहाँ पे पधारे हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और दोस्तों, इस तरह से हमारी यात्रा माता सिया देवी की संपन्न होती है। सभी देख सकते हैं इतने सारे गाड़ी यहाँ पे खड़े हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ तालतोड़ा डैम में, और यहाँ भाई
आकर मजा ही आ गया। आज बहुत दिन बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ तादला डैम में, और यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है ना अभी यहाँ पे, जैसे गंगरेल डैम बन रहा था ना वैसी टाइप का हो रहा है यहाँ पे। और इतना क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। गंगरेल बांध से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये बालों से जस्ट लगा हुआ है ये तांदुला डैम, वहाँ आपको हर प्रकार का भी डेवलपमेंट, एक साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, अभी दिखाता हूँ, चलिए इंजॉय कीजिए। ये देखो भाई, यहाँ पे जितना गंगरेल डैम में होता है ना उतना सब चीज़ यहाँ पे नाव वाव का सुविधा ला दिया गया है। यहाँ पे इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे रिजॉर्ट भी बनाया जा रहा है यहाँ पे रुकने के लिए, और भाई इतना सजाया जा रहा है यहाँ पे, सजाने के लिए बहुत सारा जगह है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। साल के अंत तक बहुत कुछ बन जाएगा भाई। अभी नाव वाव चालू नहीं हुआ है, अभी नाव वाव चालू होगा तो एक बार और आएंगे मस्त। और ये देखो नाव, तो भाई ये देखो बोटिंग का सुविधा है यहाँ पे, बहुत जल्द ही चालू हो जाएगा बोटिंग, तो आप लोग ज़रूर आइए एंजॉय करने के लिए तांदुला जलाशय में। बालों से महज 1-2 किलोमीटर के अंतराल में, और बालों से लगा ही हुआ है। देखो भाई यहाँ पे पूरा चेयर वेयर पूरा गोवा स्टाइल में पूरा यहाँ का डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ज़बरदस्त लगेगा भाई, मज़ा ही आ जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को और कुछ दिखाते जा रहा हूँ, यहाँ का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है आप लोगों को दिखाते जाता हूँ। देखो यहाँ पे पूरा ग्राउंड बन रहा है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ महातारी का मूर्ति लगाया गया है, वहाँ पे भी ले जाऊँगा आपको। होटल भी बना है यहाँ पे, आप लोग आकर एंजॉय कर सकते हो। और देखो यहाँ पे पूरा पेड़ पौधा हर चीज़ लगाया जा रहा है, और ये ना जगह जगह व्यू पॉइंट लगाया जा रहा है भाई, मज़ा ही आ जाएगा देख के। ये गंगरेल डैम से बेहतर होने वाला है, ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही खूबसूरत प्लेस होने वाला है आने वाला टाइम में। तो यार भाइयों, अभी हम बालोद का तांदुला डैम भी घूम चुके हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे झलमला जाएंगे अभी गंगा मैया के दर्शन करने। आप लोग तो देख लिए, आप लोग को दिखा दिया हम कि कितना सारा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो हर चीज़ यहाँ पे, गार्डन टाइप का पूरा बन रहा है, और आने वाला समय में बहुत ही ज़बरदस्त जगह बनने वाला है ये हमारा तांदुला जलाशय, बन रहा है ज़बरदस्त। अगर यहाँ आओगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होटल का जायका आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरे छत्तीसगढ़ का व्यंजन। भाई यहाँ पे पूरा चेयर वगैरह पूरा रखा गया है, चेयर वेयर आ चुका है, ये लगभग 6 महीने में स्टार्ट हो जाएगा भाई आप लोग का, ज़बरदस्त प्लेस।